नमस्कार भाई और बहनों, भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सीखोगे कि हम अपने ब्लॉग के ऊपर गूगल की एड्स कैसे लगाते हैं। आपने ब्लॉग बनाया मगर आपको ये पता नहीं कि हम गूगल की एड्स के द्वारा पैसा कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले ब्लॉग आपको blogger.com पर बनाया जाता है, वो भी फ्री में बनता है, और उसके बाद एडसीन में भी अकाउंट फ्री में बनाया जाता है, गूगल एडसीन। अब इसमें ऐड हम कैसे सेट करते हैं, सभी ने ध्यान से देखना है कैसे करना है। सबसे पहले अपने ब्लॉग को खोलना है, तो ये साइट है blogger.com। तो मैं अपना ब्लॉग खोलता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि मेरा ब्लॉग खुल गया है। अब मुझे ऐड इसमें कैसे सेट करनी है, तो सभी ने ध्यान से देखना है। ऐड सेट करने के लिए मुझे इसको लेआउट में जाना पड़ेगा, यह है लेआउट ऑप्शन, इसके अंदर जाना है। इसके बाद मगर इससे पहले आपको ये मोनेटाइज करना पड़ता है। मोनेटाइज के लिए आपको अर्निंग के ऊपर टिक करना है, जैसे अर्निंग ऑप्शन है, इसको हम यहाँ से करते हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट गूगल एडसीन का ये अकाउंट मांगता है, तब ये मोनेटाइज होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसके लेआउट में जाना है। जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर धीरे धीरे जा रहे हैं, तो इधर ये बता रहा है HTML एडसीन एड्रेस बता रहा है, गूगल फॉलोवर बता रहा है। तो अब इसके अंदर हम गूगल की एड्स कैसे डालें, तो आपने गूगल एड्स का एडसीन का अकाउंट लॉगिन करना है। से मैंने कर लिया। जब आप गूगल एडसीन का अकाउंट ऐड करते हो, लॉगिन करते हो, तो ऐसे दिखाता है। इसके बाद आपको जाना है माई ऐड के ऊपर। माई ऐड के ऊपर जाने के बाद आपको ऐड यूनिट में जाना है। इसके बाद आपको ये चूज़ करना है टेक्स्ट एंड डिस्प्ले ऐड। अब हम ऐड नंबर 3 डालेंगे, इसमें 4 डाल दें, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं नाम। इसके बाद आपको क्या करना है, बाकी आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ये है। और नीचे सेव एंड गेट कोड, इसके ऊपर टिक कर दें। तो आपने देखा कि ये जो कोड आया सामने, इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके इसको क्लोज कर दो। उसके बाद हम ब्लॉगर के ऊपर जाएंगे। ब्लॉगर में हमने, जैसे ये HTML है, तो HTML के अंदर अब इसके अंदर कैसे डालेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये लाते कैसे है HTML का, तो इसके लिए आपको ऐड गैजेट के ऊपर जाना है, और नीचे लिखा है HTML जावा एंड स्क्रिप्ट, इसको आपने ऐड करना है। यहाँ पर आपने कुछ भी ऊपर डाल सकते हैं, टाइटल में नहीं डालना चाहते तो रहने दो, फिर आप सेव कर दो। जैसे हमने यहाँ पर सेव कर दिया, उसके बाद आपको सेव एंड अरेंजमेंट करना है। तो अब आपके ब्लॉग के ऊपर गूगल की एड स्टार्ट होगी, जो भी अर्निंग होगी वो आपको आपके एडसीन अकाउंट में आ जाएगी, और हम इसको चेक करेंगे। तो ये ऐड होती है 24 घंटे के अंदर ही ऐड लग जाती है। जैसे ये मेरा ब्लॉग है, तो इसको हम ओपन करेंगे, रीड करेंगे। ये जो ऐड होती है ऑटोमेटिक अपने लिए स्पेस ले लेती है। तो हमने टिक किया अभी, तो अभी हमारा ब्लॉग खुल गया। तो आज आप लोगों ने सीखा कि हम गूगल अपने ब्लॉग के ऊपर गूगल की एड्स कैसे लगाते हैं,
और कैसे उसका सिस्टम होता है करने का। आप एक भी तीन या चार ऐड लगा सकते हैं एक ब्लॉग के ऊपर। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।